नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल। वक्त हो गया है खबरों का। ठाणे नगर निगम के महापौर नरेश महस्के ने पत्रकार दिवस पर पत्रकारों के काम के प्रति कटिबद्धता की सराहना की। साथ ही शहर के प्रथम नागरिक ने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस मुश्किल दौर में जान के बाजी लगाकर लोगों के प्रति जागरूकता और सेवा का अत्यंत प्रशंसनीय मिसाल बनकर उभरे ठाणे शहर के पत्रकार। महापौर नरेश महस्के ने बालशास्त्री जांभेकर के द्वारा महाराष्ट्र में मराठी पत्रकारिता की नींव रखी जाने की जानकारी से उपस्थित पत्रकारों को अवगत भी कराया और साथ ही उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा भी जमकर की। बाळशास्त्री जांभेकर यांच्याबद्दल माहिती की ज्यांनी मराठीतील पहिलं वृत्तपत्र त्यांनी दर्पण सुरू केलं आणि त्यानिमित्त त्यांची जयंती ही पत्रकार दिन म्हणून साजरी केली जाते। परंतु तो अभ्यास सुद्धा प्रत्येकाने। इस अवसर पर कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को कैबिनेट मंत्री, ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आर्थिक सहायता सहयोग राशि देकर भी उनका मनोबल बढ़ाया है। ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ, ठाणे जिला पत्रकार संघ, ठाणे नगर निगम जनसंपर्क विभाग के संयुक्त रूप से स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल सभागृह में पत्रकार दिवस को मनाया गया, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर ठाणे शहर के प्रथम नागरिक महापौर नरेश महस्के उपस्थित थे। महापौर नरेश महस्के ने कहा कि उनकी शुरुआत पत्रकारिता से ही शुरू हुई थी। पत्रकारों ने महामारी में जो कार्य किया वह अत्यंत प्रशंसनीय है। ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश मोरे ने समाज के सभी वर्गों के लिए पत्रकारों के प्रति कटिबद्ध तौर से जो कार्य किया है उसकी भी सराहना की। जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय पितले ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए कहा कि बालशास्त्री जांभेकर ने अखबार की शुरुआत की और आज हम लोग उनके राह पर पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना काल में जान गंवाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत निर्लेकर, प्रशांत कामली, विकास कारदरे, अशोक जानलावाला के परिजनों को सांसद श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की ओर से 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि कैबिनेट मंत्री, ठाणे जिला पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से वितरण भी की। इस अवसर पर ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश मोरे, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय पितले तथा ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ के सदस्य भी उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार दीपक दलवी ने किया था। तो ये मराठी खास खबर। इसी तरह की देश और दुनिया की हर खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक ले नमस्कार।